हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और अभी हम आ गए हैं पटना में, और इस पटना में जो करजी मोड़ है, करजी मोड़ पे ही चश्मा सेंटर है, और उसी गली में हम लोग ये प्लांट लगा रहे हैं। और यहाँ पूरा का पूरा टाटा का सिस्टम है। टाटा का जो मोनो हाफ का टाटा है 450 वाला, जो मैंने पहले लगाया था स्कूल पे, वही वाला सिस्टम यहाँ लगा रहे हैं। कि पैनल तो अभी लगाए हैं मात्र 5 किलोवाट ही, लेकिन जो इन्वर्टर है वो 10 किलोवाट है, और उसका जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है वो भी 10 किलोवाट है। और सारा का सिस्टम यहाँ जो लगा है वो पूरा नेट मीटरिंग करके, मतलब ऑन ग्रिड सिस्टम है, तो उसमें नेट मीटरिंग के साथ साथ पूरा इंस्टॉलेशन भी इसमें दिखाने वाले हैं। और जो यहाँ पर जो इन्वर्टर लगा है वो गुडवे का लगा है, और उसका इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, क्योंकि उसका इंस्टॉलेशन थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं। और टाटा के साथ वो उसी का इन्वर्टर मिल रहा है ऑन ग्रिड में, तो उसका इंस्टॉलेशन प्लस वाईफाई कनेक्टिविटी और पूरा मतलब नेट मीटरिंग के साथ उसका पूरा इंस्टॉलेशन देखने के लिए हमारा चैनल उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर जरूर करते चलिएगा। तो अभी हमें जो बॉक्स मिला है आपको दिखाते चलते हैं कि टाटा की तरफ जो 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 सामान आती है, जैसे कि मैंने हमेशा हम बोलता चलता हूँ कि टाटा पूरा कम्बो पैक देती है, तो टाटा का कम्बो पैक में क्या क्या मिलता है आपको वो दिखाते चलते हैं। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स निकल गया एक पैकेट से, उसका दूसरे पैकेट में ये नट बोल्ट जितना भी देख रहे हैं, पावर प्लग सब सारा कुछ है इसमें, लग से लेकर के A to Z, मतलब जो बोले ना कि आपको नट भी खरीदना नहीं पड़ेगा, इसमें सारा कुछ है। उसके बाद ये हो गया हमारा इन्वर्टर, ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर हो गया, और इसका जो VOC रेंज देख ही रहे हैं कि ये 850 वोल्ट है। और इसको पहले हैंग करते जा रहे हैं, और इसके बाद इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो आता है, DC बॉक्स जिसको बोलते हैं, जिसमें DC पॉइंट रहता है वो भी रहता है, सारा कुछ मिलता है। उसके बाद वहाँ पर जो वायर आपको दिख रहा था वो भी सब था, मतलब A to Z यहाँ पर मिलता है। और ये सारा जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये सारा कुछ मिलता है, और ये सब टाटा का डिज़ाइन है और किसी कंपनी का नहीं। देखिएगा हमारा जो वर्क है एकदम पैरेलली चल रहा है, सोलर के साथ साथ हमारा इन्वर्टर भी हम लोग पूरा इंस्टॉल करते चल रहे हैं, और आपको फास्ट वे में दिखाते चलते हैं। और चूंकि हमको जगह जहाँ भी दिया गया था, जैसे कि ये सीढ़ी घर है, तो सीढ़ी घर के वहाँ पे हमको एरिया दिया गया था, और उसके बाद जो बचेगा उसके साइड में दिया गया था, तो हमको जहाँ जहाँ जगह दिया गया था वहाँ हम अरेंज कर लिए। अभी टाइम हो गया है 4:05, और छाया का थोड़ा यहाँ पर इशू है, देख रहे हैं यहाँ पे छाया का कोई इशू नहीं है, और यहाँ पे जगह जितना ऑक्यूपाई कर सकते थे, क्योंकि टाटा का जो स्ट्रक्चर है उसके अनुसार इस यहाँ पे सिर्फ 2 ही पैनल लग सकता था, इसके बाद में हमारा स्ट्रक्चर ही फिट नहीं बैठता, इसीलिए यहाँ पे हम सिर्फ 2 पैनल लगाए हैं। 2 पैनल लगाए क्या, 2 पैनल ही लगा पाए हैं, ठीक है। और बाकी पैनल चूँकि यहाँ पर हम लगा नहीं सकते थे, इसलिए हम लोग बाकी पैनल अब नीचे लगाए हैं। और एक पैनल जो बच गया है, चूँकि वो 9 हो गया, 2 ये 11 और ये 1, मतलब 12 टोटल, और अलग अलग लगा है, इससे हमको कोई इशू नहीं, क्योंकि हमको सबको सीरीज करना है, क्योंकि अपना जो इन्वर्टर है उसका जो VOC है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 10 किलोवाट का है और 5 किलोवाट का ही सेटअप लग रहा है, 12 पीस है, तो ये 12 के 12 एक ही स्ट्रिंग में, किसी भी एक स्ट्रिंग में सीरीज कर देंगे। यहाँ पर हम इन्वर्टर के साथ साथ ये जो AJB इसको बोलते हैं, और यहाँ पर AC बॉक्स, ये दोनों हमारा लग गया है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। और इसमें हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये छोटा वाला है, और ये जो इन्वर्टर है ये भी 10 किलोवाट का ही है, भले ही सोलर 5 किलोवाट का लगा है, लेकिन इन्वर्टर 10 किलोवाट का है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है वो भी 10 किलोवाट का है, ठीक है। बस AJB जो है वो छोटा वाला है, मतलब सिंगल इन सिंगल आउट दिए, मतलब 5 किलोवाट का है। इसमें जो फ्यूज जो यूज किया है DC फ्यूज, वो 32 एम्पियर का है, और यहाँ से सिंगल इन सिंगल आउट है, क्योंकि यह एक ही स्ट्रिंग आने वाला है, और ऐसे भी 10 किलोवाट का, तो 12 का एक ही स्ट्रिंग बन के यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। और ये तो इसके बारे में पहले पिछले वीडियो में बता चुके हैं, और ये जो इन्वर्टर ये 10 किलोवाट का है, ये पहले भी लगा चुके हैं, इसके बारे में बता ही चुके हैं। और आप लोग सोच रहे होइएगा कि यहाँ पर 10 किलोवाट का इन्वर्टर क्यों दिए हैं, चूँकि यहाँ जो कनेक्शन है वो 3 फेज का है। बहुत से लोगों के मन में डाउट रहता था कि प्रीपेड मीटर किस तरह का होता है, दिखाइएगा, तो ये हो गया प्रीपेड मीटर, ठीक है। इसमें आप जो रिचार्ज करते हैं, और आप जिस तरह आपके मोबाइल में बैलेंस रहता है उसी तरह से इसके अकाउंट में बैलेंस रहता है, तो इसी को बोलते हैं प्रीपेड, ठीक है, मोबाइल की तरह हो गया। और जितना आपके अकाउंट में रुपया रहेगा उतना ही देर ये चलेगा, फिर अपना ही कटअप कर देता है, तो इसी को बोलते हैं प्रीपेड। और ये प्रीपेड मतलब 3 फेज में है, और इसीलिए हम बोले कि जहाँ मीटर जो यहाँ 3 फेज लगा है, इसीलिए हमारा इन्वर्टर भी यहाँ पर हम 3 फेज दे रहे हैं सेम कॉम्बिनेशन का, ठीक है। और इसका बेनिफिट ये हुआ कि यहाँ पे प्रीपेड मीटर लगा हुआ है, तो यहाँ हमको सिर्फ नेट मीटरिंग का प्रोसेस करना होगा, और मीटर को हम अलग से परचेज करके हमको टेस्टिंग में नहीं भेजना रहेगा, ठीक है। इसका बेनिफिट ये है कि ये पहले से मीटर लगा है, सिर्फ इसमें जो सॉफ्टवेयर आता है बाई डायरेक्शनल, उसको हमको अपडेट करवाना है, और कहाँ से, SDO से,
प्रोसेस सब वही रहेगा, बस जो नेट मीटरिंग का जो प्रोसेस है उसमें जो टेस्टिंग के लिए होने जाएगा और रसीद कटेगा और टेस्टिंग होने जाएगा, फिर टेस्टिंग होकर आगे मीटर लगेगा, वो वाला प्रोसेस नहीं होगा, बाकी सारा प्रोसेस सेम। यहाँ पे एक अर्थिंग किए हैं, उसके बाद यहाँ पे दूसरा अर्थिंग, उसके बाद तीसरा अर्थिंग यहाँ पे किया है, ये तीसरा अर्थिंग। चूँकि यहाँ पे जितना जगह था उसी में हमको ये सारा कुछ करना था, तो जितना खाली एरिया था इसमें ये तीन अर्थिंग किया है, और एक अर्थिंग जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के लिए, दूसरा जाएगा इन्वर्टर और डीसीडीबी के लिए जो इसको एजीबी बोलते हैं, और तीसरा जो अर्थिंग है वो जाएगा लाइटिंग रजिस्टर के लिए। ओके, इसलिए तीन अर्थिंग हो गया। यहाँ पे छाया का कोई इशू नहीं है, और यहाँ पे जगह जितना ऑक्यूपाई कर सकते थे, क्योंकि टाटा का जो स्ट्रक्चर है उसके अनुसार इस यहाँ पे सिर्फ दो ही पैनल लग सकता था, इसके बाद में हमारा स्ट्रक्चर ही फिट नहीं बैठता, इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ दो पैनल ही लगा पाए हैं। ठीक है, और बाकी पैनल चूँकि यहाँ पर हम लगा नहीं सकते थे, इसलिए हम लोग बाकी पैनल अब नीचे लगाए हैं, और एक पैनल जो बच गया है चूँकि वो 9 हो गया, दो ये 11 और ये 1, मतलब 12 टोटल, और अलग अलग लगा है, इससे हमको कोई इशू नहीं, क्योंकि हमको सबको सीरीज करना है, क्योंकि अपना जो इन्वर्टर है उसका जो VOC है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 10 किलोवाट का है और 5 किलोवाट का ही सेटअप लग रहा है, 12 पीस है, तो ये 12 के 12 एक ही स्ट्रिंग में, किसी भी एक स्ट्रिंग में सीरीज कर देंगे। अभी जो हमारा टाइमिंग है वो हो गया है लगभग 4 बज गया है, और इस टाइम पे जो हमारा सोलर का जो VOC आ रहा है वो 44 वोल्ट आ रहा है, और उसी का अगर सिर्फ अगर सेम टू सेम अगर एम्पियर निकालते हैं सिर्फ उसी पैनल का, और एम्पियर जो आ रहा है वो 4.86 एम्पियर आ रहा है, जो कि बहुत बढ़िया है, मतलब टाटा कंपनी का जो भी सेटअप है वो अच्छा से लग गया है और सक्सेसफुली। और अभी टोटल जो नीचे में वायर लेके आ गए तो उसका स्ट्रिंग का जो वोल्टेज आ रहा है वो 348 वोल्ट आ रहा है, मतलब यहाँ तक हमारा टेस्ट हो गया, हमारा पैरिटी भी चेक हो गया कौन सा प्लस माइनस है। अब इसका हम कनेक्शन कर लेते हैं, तो जो लाइव वायर है उस लाइव वायर को हम ले जाएंगे इस फ्यूज के थ्रू, जो कि हमारा 32 एम्पीयर का जो फ्यूज है उसके थ्रू ले जाएंगे, और उसके बाजू से जो ब्लैक वायर है मतलब माइनस वायर है वो जाएगा, और फिर यहाँ से कॉमन किया हुआ है SPD को, और SPD के बाजू से फिर हमारा आउट निकला हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऐसा कनेक्शन हो जाएगा, और सबको जो भी है उसमें हम लग लगाते जा रहे हैं, चूँकि पहले से लग लगा करके इसका कनेक्शन किया गया है, तो हम भी इसका लग लगा करके बढ़िया से कनेक्शन किए जा रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का वायरिंग तो सबसे सिंपल है, इसका जो देख रहा है जो MCB दिया हुआ है, MCB से पावर सप्लाई देना है किसको, इन्वर्टर को, और यहाँ हम जो हम दे रहे हैं ग्रिड का सप्लाई, ठीक है, यहाँ से हम ग्रिड का सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, और एक दूसरे से कॉमन किया हुआ, देख रहे हैं ये जो आपको हम कभी जो कस रहे हैं यहाँ पे येलो वायर कस रहे हैं, ठीक है, और एक दूसरे से कॉमन करके किसको दिया हुआ है, SPD को दिया हुआ है, और यहाँ पे सब कुछ देख रहे हैं पैरल किया हुआ है, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से जो एक रेड दूसरे से कॉमन है, फिर येलो दूसरे से कॉमन है, और फिर ब्लू दूसरे से कॉमन है, फिर न्यूट्रल जो ब्लैक दूसरे से कॉमन है, तो सिर्फ हमको किसी भी एक स्ट्रिंग में हमको वहाँ पे सप्लाई दे देना है ग्रिड से, अपने आप वो ले लेगा हमको किसके SPD को भी ले लेगा, और उसके बाद जो हमारा MCB है MCB से होते हुए इन्वर्टर को भी ले लेगा। और यहाँ पे जो है देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ पॉइंट दिया है L और 2, 1 और न्यूट्रल, उसके बाद अर्थिंग, तो अर्थिंग की जगह पे अर्थिंग कर देंगे, न्यूट्रल की जगह पे न्यूट्रल कर देंगे, और उसके बाद L की जगह पे R करेंगे, और 1 की जगह पे येल्लो और 2 की जगह पे ब्लू करेंगे, तो यही इसका साइन है, मतलब 1 की जगह पे येल्लो और 2 की जगह पे ब्लू, और उसी तरह से इसका हम यहाँ पे वायरिंग का जो मार्किंग है ये RYB और N उस तरह से कनेक्शन कर लिए। और यहाँ पाइप क्यों लगा रहे, पाइप इसलिए लगा रहे ताकि वो इधर उधर लटका हुआ वायर ना दिखे और अप्रोप्रिएट वे में लगे, और यहाँ पे अर्थिंग कनेक्ट कर लिया, अर्थिंग पॉइंट जो हमने वो कनेक्ट कर लिया है इसका एकदम सेपरेटली, और उसके बाद जो अपना AJB था उसमें भी एक अर्थिंग पॉइंट डालेंगे, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, इसको लॉक कर लेते हैं, और उसके बाद हम डालते हैं AJB में, तो AJB में भी हमने सेपरेट अर्थिंग दिया है, तो उसका अर्थिंग पॉइंट भी हम इसमें डाल लेते हैं, ये साइड वाला जो पॉइंट दिया हुआ है ये अर्थिंग का पॉइंट था। दोस्तों यहाँ तक तो हमारा वायरिंग कंप्लीट हो गया है, और जो भी वायरिंग लीक किया है वो पूरा पाइप के थ्रू किया है, मतलब लटका फटका नहीं दिखे इसलिए पाइप के थ्रू करना जरूरी रहता है, और ये सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद अभी हम सबको टेस्ट कर लेंगे कुछ हील डूल तो नहीं रहा है, और जब हमारा पूरा अप्रोप्रिएट वे में पूरा जो वायरिंग है पूरा कंप्लीट हो गया है। हमारा इस वीडियो का जो सबसे मेन पार्ट है वो है नेट मीटरिंग, और यहाँ पे नेट मीटरिंग हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम यहाँ पे जो इस मीटर का जो आउटपुट वायर था आउटपुट वायर निकाल करके उसको हम डाल दिए हैं सब मीटर में, और यहाँ से सब मीटर का इनपुट दे रहे हैं, और उस इनपुट के साथ साथ हम यहाँ जो अपना इन्वर्टर है सोलर इन्वर्टर है उसका भी इनपुट इसमें डाल रहे हैं,
और वो कैसे, तो जो इस ये मीटर का जो आउटपुट है वहाँ पे दोनों वायर डाल रहे हैं, दोनों रेड एक साथ, दोनों ब्लू एक साथ, दोनों येलो एक साथ, दोनों न्यूट्रल एक साथ डाल रहे हैं। और यहाँ से इनपुट जाएगा सब मीटर का भी और अपने इन्वर्टर का भी, सोलर इन्वर्टर का भी, मतलब सोलर इन्वर्टर से यहीं से इनपुट जाएगा और यहीं से बाईपास करेगा, क्योंकि यही हमारा जो मीटर है ये बाई डायरेक्शनल नेट मीटर है, ठीक है, और ये ऊपर वाला सब मीटर है। और अब इसके प्रोसेस के बारे में जानते हैं। ये सोलर नेट मीटरिंग का एप्लीकेशन फॉर्म है, ये पहला स्टेप है, इसको बोला भी गया है नंबर वन। तो ये बोल रहा है कि एप्लीकेशन फॉर नेट मीटर या ग्रॉस मीटरिंग एंड ग्रिड कनेक्टिविटी ऑफ ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप एंड ए स्मॉल सोलर प्लांट सिस्टम के लिए है। मतलब अगर कोई घर पे लगे से अगर लगाना चाहता है तो वहाँ पे अगर नेट मीटरिंग करना चाहता है, चाहे सिंगल फेज हो या थ्री फेज, तो उसके लिए ये एप्लीकेशन है। और ये पेज वन है, मतलब ये पहला प्रोसेस है। और इसमें आपको यहाँ जो लिखा हुआ है इसमें लिखना है आपको अपना कौन सा डिवीज़न है, उसके बाद एप्लीकेंट का नाम लिखना है, उनका एड्रेस लिखना है, ठीक है, उनका जो सीए नंबर है वो लिखना है। और यहाँ लो टेंशन है या हाई टेंशन है, तो यहाँ लो टेंशन, क्योंकि अगर छोटा वाला प्लांट है मतलब लो टेंशन ही रहेगा, घर पर लो टेंशन ही रहता है। उनका ईमेल आईडी लिख देना है, आधार नंबर, पैन नंबर। उसके बाद यहाँ ग्रॉस मीटर है या नेट मीटर है तो लिखना है नेट मीटर। उसके बाद इस तरह से सारा कुछ भरते जाना है। आप जो एप्लीकेशन जो कर रहे हैं कंज्यूमर है या थर्ड पार्टी है तो आप कंज्यूमर ही लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद मीटर नंबर दे देना है, कितना किलोवाट का प्लांट लग रहा है वो दे देना है। उसके बाद जो सोलर ग्रिड इन्वर्टर में है वो किस, कौन सा इन्वर्टर है, किस कंपनी का है, उस कंपनी का नाम लिख देना है। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे सब में यस और नो करने वाला बोल रहा है, तो बोला ग्रिड, सोलर ग्रिड हैज ऑटोमेटिक आइसोलेशन, यस, तो यहाँ पे यस कर देना है। हैज एन सोलर जनरेशन मीटर बीन इंस्टॉल्ड, तो सोलर जनरेशन मीटर इंस्टॉल्ड नहीं है तो यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद बोल रहा है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कमिशनिंग, यानी कि जो आपने आपका जो सोलर प्लांट है वो कब लगा है, तो जिस डेट का एप्लीकेशन कर रहे हो उससे पहले का लिख दीजिएगा या उसी वही डेट लिखिएगा, उसके बाद का मत लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल भर देना है, ठीक है, चूँकि यहाँ पे उसका कॉपी भी आपको देना है, कैंसिलेशन चेक दे, ठीक है, कितना किलोवाट में है आपके पास जो ग्रिड का कनेक्टिविटी है वो कितना किलोवाट में है वो आपको यहाँ दे देना है। तो अगर 5 किलोवाट लगा रहे होइएगा तो 6 किलोवाट का आपका ग्रिड कनेक्टिविटी होना चाहिए। 10 किलोवाट अगर सोलर लगाते हैं तो कम से कम आपको 12 किलोवाट का कनेक्टिविटी होना चाहिए, तो वो सब आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद इसके साथ क्या क्या कनेक्ट करना है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कनेक्ट करना है, कैंसिलेशन चेक, जो डिटेल आपने यहाँ भरा है वो उसका कैंसिल चेक देना है। उसके बाद जितना भी इक्विपमेंट लगा है आपके प्लांट में उसका टेस्ट रिपोर्ट देना है। उसके बाद कोई आइडेंटिटी प्रूफ देना है, ठीक है, तो ये सारा कुछ इसमें संलग्न करके और यहाँ पे डेट ये सारा कुछ करके और यहाँ से कस्टमर का साइन करा करके आपको ये जमा करना है। उसके बाद इसका नेक्स्ट पेज में यहाँ पे आपको वहाँ जो ये जब जमा कीजिएगा तो आपको ये भर के पूरा मिल जाएगा, ठीक है, और इसी पे चालान कटेगा नेट मीटर टेस्टिंग के लिए। उसके बाद इसका दूसरा जो रिपोर्ट परफॉर्मा ऑफ टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट, तो ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपका जो जेई है वो बना के देगा। ये हो गया सेकेंड पेज, ठीक है, और इस सेकेंड पेज में ये आपका कुछ नहीं करना है, ये सब कुछ भर के आपका जेई देगा, ओके, इस तरह से ये पूरा भर के आपको जेई दे देगा। ये सेकेंड पेज हो गया। और जब सेकेंड पेज निकलता है तो अब आता है नेक्स्ट स्टेप, आता है एग्रीमेंट का। तो एग्रीमेंट पेपर आपको इस तरह से, ये लगभग 5 पेज का होता है, इस 5 पेज को आपको मतलब इस तरह से प्रिंट निकाल लेना है। और यहाँ पे 100-100 रुपये का जुडिशियल स्टाम्प पेपर, ठीक है, तो वो आपको दो, कम से कम 2 पीस लेना है, और एक कॉपी जो आपके पास रहेगा और एक कॉपी जो सबमिट होगा उस पे दोनों पे लगाना है। तो दो स्टाम्प पेपर ले लेना है, और वो 100 रुपये उसका वैल्यू जो होना चाहिए वो 100 रुपया होना चाहिए। और ये आपका पूरा फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आपका ये पूरा डिटेल भराते भराते आपको यही समय साइन उन कराने का बोलेगा, लेकिन आपको हर जगह का प्रोसेस कुछ अलग रहता है, तो ये सब साइन कराने से पहले आपको SDO से सलाह लेना है कि कैसे काम करना है। मैं आपको यह पूरा प्रोसेस के बारे में और पेपर के बारे में बता रहा हूँ कि कौन सा पेपर लगता है। यहाँ तक तो हो गई पूरा प्रोसेस की बात। अब आते हैं इस मीटर के कनेक्शन में, तो इसका जो पहला पॉइंट है वो रेड का मतलब R का इनपुट है, और दूसरा पॉइंट R का आउटपुट है, ठीक है, और फिर उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो येल्लो का इनपुट है, और जो उसके बाद चौथा पॉइंट है वो येल्लो का क्या है, आउटपुट है, ठीक है। उसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो ब्लू का इनपुट है, और छठा ब्लू का आउटपुट है, और सातवां न्यूट्रल का इनपुट है, और आठवां जो लास्ट है वो न्यूट्रल का आउटपुट है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कनेक्शन पूरा कर लिया। तो यहाँ पे ये जो नेट मीटरिंग हुआ है इसका, तो अब देख रहे हैं कि
ये मेन मीटर है, इसको बोलते हैं स्मार्ट मीटर, जो अभी यहाँ हर जगह लगना शुरू हो गया है। तो इसका जो कनेक्शन हुआ है, ये जो तार आया है पोल पर से, ये इसके इनपुट में गया है, यहाँ से आउटपुट निकल के इस मीटर में गया है। मतलब इसके मीटर में दो दो वायर जुड़ा हुआ है, हर फेज में दो दो वायर हैं, और एक वायर तो सोलर का है एक एक, और एक वायर इसका इनपुट है, और यहाँ से आउटपुट निकल करके इनके घर के लोड में चला गया है। अर्थिंग का पाइप वहाँ से आया है, और मेन का जो तार है जो कनेक्ट होने के लिए आया है वो यहाँ पे आया है। सोलर का जो नेट मीटर था वो तो अब इंस्टॉल हो गया है, तो अब हमको क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने का कुछ प्रोसेस है, वो हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले हमको डीसी पॉइंट जो है वो ऑन कर डालना है, और उसके साथ जो इन्वर्टर को जो ऑन ऑफ स्विच है उसको ऑन कर देंगे। उसके बाद का जो प्रोसेस है, ये जो ऐप दिख रहा है आपको गो सोलर करके, ये ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, और उसके बाद इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस फॉलो करने के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते। चूँकि अपना जो इन्वर्टर है वो इन्वर्टर में डिस्प्ले नहीं है, और कोई सेटिंग वोटिंग चेंज करने वाला कुछ नहीं दिया है, तो इस ऐप के थ्रू ही जा करके उसका सेटिंग चेंज कर सकते हैं। अगर इन्वर्टर का कुछ सेटिंग करना है तो इसी ऐप के थ्रू चेंज करना है, और जब चेंज कर दिए तो उसके बाद इसका जो MCB है वो ACMCB उसको ऑन कर देंगे। और जैसे ऑन करेंगे तो इसका पूरा कनेक्टिविटी हो जाएगा, और उसके बाद आपके ऐप में ही सारा कुछ शो करना शुरू कर देगा। इस तरह से इसे ऐप में जनरेशन करना शुरू कर दिया है, मतलब अपना इन्वर्टर जो है ऑन हो गया है। इसके बाद का जो प्रोसेस आता है नेट मीटरिंग के बाद वाईफाई कनेक्टिविटी का, ठीक है। चूंकि यहाँ पे कोई स्क्रीन दिया नहीं है, तो इसका अगर जनरेशन देखना है तो आपको नेट वाईफाई करवा करके आपको मोबाइल में ही देखना पड़ेगा, उसी ऐप में ही देखना पड़ेगा। चूँकि यहाँ पर तो सब कुछ ऑन हो गया है लेकिन आपको कोई स्क्रीन नहीं दिख रहा, तो उसके लिए आपको वाईफाई कनेक्टिविटी जरूरी है। इसके लिए आपको SEMS पोर्टल डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड होने के बाद उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के लिए आपको मैं एक वीडियो का जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप डाउनलोड करके या उसे वॉच करके फुली ये वाईफाई जो कनेक्टिविटी है वो आप लोग कर सकते हो। और उसके बाद अगर कोई इशू आता है तो उसके लिए हम बैठे ही आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको पूरा गाइडलाइंस किया जाएगा। इसका जो सर्विस इंजीनियर का नंबर है वो भी प्रोवाइड कर दिया देंगे, और मतलब हर तरह से आपको हम सपोर्ट किया करेंगे। बस इस सब के लिए आपको जो मेरा चैनल है उसको फॉलो करते चलिए, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया जो लाइक का बटन उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और शेयर करके मतलब जिनको ये ज़रूरत है या जिनको इंस्टॉल करवाना है पूरे बिहार में नेट मीटरिंग के साथ साथ सारा सर्विस के साथ साथ उन्हें इंस्टॉल करवाना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप सोलर लेवल है तो मेरा जो चैनल उसे ज़रूर सब्सक्राइब।